ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं, आईपीएल 2023 के लीग मुकाबले अपने अंतिम स्टेज में खेले जा रहे हैं और जहां पर मुकाबले नहीं महामुकाबले, और इस महामुकाबले के बाद प्लेऑफ में जमकर बवाल हो रहा है। प्लेऑफ की तस्वीर भी अब धीरे धीरे साफ होने लगी है और इसी को लेकर एक महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और खेला गया सनराइजर हैदराबाद के बीच में। इस मुकाबले पर निगाहें न केवल चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल, केकेआर की टिकी थी, बल्कि तमाम टीमों की ये उम्मीद थी कि इस मुकाबले के बाद प्लेऑफ की तस्वीर साफ होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के बाद तमाम टीमों की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब कौन सी टीमें प्लेऑफ में जाती हुई दिख रही है, बेंगलोर की जीत से किन को झटका लगा है, हम आपको बताएंगे। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले के बाद क्या है पॉइंट टेबल का हाल, कौन सी टीमें प्लेऑफ में जा रही है तो कौन सी होगी बाहर, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आईपीएल 2023 के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ेगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हां, आईपीएल 2023 की उलझन समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। आईपीएल में एक के बाद एक महामुकाबले खेले जा रहे हैं और अब तो महज 2-3 दिन का ही लीग स्टेज बचा है, लेकिन अभी तक आईपीएल को केवल एक ही क्वालिफाई करने वाली टीम मिली है। ऐसे में अब महामुकाबले खेले जा रहे हैं और ऊपर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है और उसके बाद पॉइंट टेबल का पूरा खेल ही बदल गया है। प्लेऑफ के सारे समीकरण बदल चुके हैं, बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। कैसे MI CSK LSG को बड़ा झटका लगा तो कुछ टीमें तो पूरी तरह से इस रेस से बाहर भी हो गई है। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में, इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट टेबल का हाल। सबसे पहले देखा जाए तो बाहर होने वाली टीमों के बारे में जानते हैं। पॉइंट टेबल में आखिरी स्थान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं और उसमें केवल 4 ही मुकाबले जीते हैं। 8 पॉइंट इनके पास में है। इस साल सबसे खराब खेल इन्होंने ही दिखाया है, इसीलिए ये प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुके हैं। इनका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 8 पॉइंट ही इनके पास में है और बचा है एक मुकाबला, जीतेंगे तो भी 10 पॉइंट ही हासिल कर पाएंगे, इसीलिए SRH बाहर है। सनराइजर हैदराबाद की तरह ही दिल्ली कैपिटल का हाल है, फिलहाल पॉइंट टेबल में 9th पोजीशन पर है। 13 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत तो 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट इनके पास में भी है। फिलहाल दिल्ली कैपिटल भी एलिमिनेट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है, इनका भी कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली को एक मुकाबला CSK के खिलाफ खेलना है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये ज्यादा से ज्यादा उस मुकाबले को जीत कर भी 12 पॉइंट ही हासिल कर पाएगी, इसलिए बाहर है। फिलहाल बात करते हैं पॉइंट टेबल की 8वीं पायदान की टीम यानी पंजाब किंग्स के बारे में। तो 13 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 6 मुकाबलों में जीत तो 7 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 12 पॉइंट के साथ में फिलहाल 8वें पायदान पर है। क्या पंजाब किंग्स इस प्लेऑफ में जगह बना सकती है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। तो हम आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के लिए सबसे जरूरी है पहले तो कि ये मुकाबला जो अंतिम बचा है उसको जीतना जरूरी है। अगर वो मुकाबला जीतती है तो पंजाब किंग्स 14 पॉइंट तक पहुंच पाएगी और फिर यहां पर ये उम्मीद करेगी कि चौथी टीम जो 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करे, और उसके लिए इन्हें दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और ऊपर से PBKS की खराब नेट रन रेट है और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 14 पॉइंट तक पहुंच भी जाए और चौथी टीम अगर 14 पॉइंट पर क्वालिफाई भी करे तो भी इनकी खराब नेट रन रेट इनके आड़े आएगी और ये बाहर है। मात्र औपचारिकता पंजाब किंग्स के लिए बची है, ऐसा याल कोलकाता नाइट राइडर का भी है। फिलहाल पॉइंट टेबल में ये 7वें पायदान पर है, 13 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं, 12 पॉइंट इनके पास में भी है। हम आपको ये भी बता दें कि इस टीम को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना अंतिम मुकाबला जीतना है। अंतिम मुकाबला जीते तो 14 पॉइंट तक पहुंचेंगे, फिर वही बात, उम्मीद करें कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करे, लेकिन इनके भी आड़े इनकी नेट रन रेट आएगी। तो पहले तो उम्मीद करो कि 14 पॉइंट के साथ में चौथी टीम जाए और उसमें आपकी नेट रन रेट खराब तो फिर आपके लिए भी रास्ता बंद है। यानी KKR और PBKS भी मात्र औपचारिक तौर पर ही है, बाकी ये भी एलिमिनेट हो चुकी है। खैर बात करते हैं पॉइंट टेबल की 6वें पायदान की टीम, तो नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 13 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं, 12 पॉइंट इनके पास में भी है। इन्हीं का हाल तो KKR और पंजाब की तरह ही है, लेकिन राजस्थान रॉयल के लिए अच्छी बात यह है कि इनकी नेट रन रेट में काफी सुधार है और जिसकी वजह से अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करी तो राजस्थान रॉयल उसमें प्रबल दावेदार तब बनेगी जब उनका अंतिम मुकाबला जो खेला जाएगा उन्हें जीत कर वो 14 पॉइंट हासिल कर ले, तो इनकी नेट रन रेट अच्छी होगी और है।
है तो फिर यहां पर इनकी प्रबल दावेदारी पेश हो सकती है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल, केकेआर और पीबीकेएस मात्र औपचारिक तौर पर जुड़े हुए हैं, बाकी इनका कोई लेना देना खास तौर पर है नहीं, क्योंकि इस बार प्लेऑफ में ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई तो नहीं करेगी, वो कैसे हम आपको समझाते हैं। लेकिन फिलहाल पॉइंट टेबल में पांचवें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आ चुका है और मुंबई इंडियंस के लिए आरसीबी की जीत के बाद मुश्किलें बढ़ चुकी है। एक तो कि ये पॉइंट टेबल में चौथे से पांचवें पायदान पर आ गई है, चलो उसमें भी कोई डाउट नहीं, पांचवें पायदान पर हैं, 13 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं और यहां पर हम आपको बता दें कि 14 पॉइंट इनके पास में हैं। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बचा हुआ अंतिम मुकाबला जो मुंबई खेलेगी वो कहीं ना कहीं न केवल जीतना जरूरी है, बल्कि अगर मुंबई को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो फिर उस मुकाबले को न केवल जीतना जरूरी बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा, अच्छी नेट रन रेट से जीतना होगा, वरना मुंबई इंडियंस का रास्ता बंद हो जाएगा। वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि टेबल में फिलहाल चौथे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, इन्होंने 13 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं, 14 पॉइंट इनके पास में भी है, लेकिन इनकी नेट रन रेट में काफी सुधार है और जिसकी वजह से ये टीम फिलहाल मुंबई से ऊपर है और अगर ऐसे ही ऊपर रही तो ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी और मुंबई इंडियंस बाहर हो जाएगी, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी अभी भी थोड़ी खुशखबरी तो मिली है, लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस को अपना अंतिम अंतिम मुकाबला जीतना होगा। लेकिन अगर कोई फैंस चाहता है कि एमआई और आरसीबी इन दोनों को प्लेऑफ में देखना चाहते हैं तो फिर क्या समीकरण बनेंगे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। फिलहाल पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम आता है, 13 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं, 15 पॉइंट इनके पास में है और हम आपको बताएं कि मान के चलिए लखनऊ सुपर जायंट्स जो अंतिम मुकाबला है वो जीत गई तो इन्हें किसी भी दूसरे टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और इनकी जगह प्लेऑफ में पक्की हो जाएगी। लेकिन लखनऊ सुपर जॉइंट्स अपना अंतिम मुकाबला हारी तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के लिए रास्ता आसान होगा, क्योंकि 16-16 पॉइंट पर वो दोनों अपनी दावेदारी ठोकेगी तो 15 से तो ज्यादा 16 पॉइंट होते हैं, इसलिए लखनऊ बाहर हो जाएगी और मुंबई और आरसीबी दोनों क्वालिफाई कर जाएगी। हो तो ये भी सकता है चेन्नई सुपर किंग्स जो फिलहाल पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर हैं, 13 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं, 15 पॉइंट के साथ में ये टीम भी दूसरे पायदान पर है। इस टीम को भी अभी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अंतिम मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, अगर अंतिम मुकाबला नहीं जीत पाए तो ये टीम भी 15 पॉइंट पर स्टॉप हो गई तो फिर ये टीम भी दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होगी। मान के चलिए अंतिम मुकाबला जीत गई तो 100% क्वालिफाई और अगर हार गई तो फिर 100% क्वालिफाई करे इस बात की कोई गारंटी नहीं, फिर ये टीम चाहेगी एमआई अंतिम मुकाबला हार जाए और आरसीबी भी अपना अंतिम मुकाबला हार जाए या फिर हार जाए लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपना अंतिम मुकाबला। अब कुल मिलाकर हम आपको बता दें यहां से कि कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही है, ध्यान से समझिएगा यहां से समीकरण। पहले बता दें कि गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई कर लिया है, 13 में से 9 जीते हैं, 4 हारे हैं, 18 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर वो खत्म कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब 4 टीमें हैं और कोई 3 टीमें ही इनमें से जगह बनाएगी जो कि चेन्नई है, एलएसजी है, एमआई है और आरसीबी है। ये 4 टीमें ही है और इनमें से किसी एक टीम को बाहर होना पड़ेगा।